गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा फिफ्थ डे है। 4 डे हमारे बहुत अच्छे गए। आज देखते हैं क्या चैलेंज लेके आता है हमारा फिफ्थ डे। तो आज हम मॉर्निंग ड्रिंक में अपना लेमन और हनी वाटर पियेंगे। तो चलिए इसे देखते हैं कि किस तरह से बनाना है। हमने एक बर्तन ले लिया है। इस बर्तन में हम एक गिलास पानी ऐड करेंगे और इसे कुछ देर के लिए बॉईल होने देंगे। पानी हल्का सा गर्म हो चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और एक कप में लेमन और हनी मिलाएंगे। हमने आधा लेमन को लिया है और इसमें ऐड कर दिया है और वहीं एक चम्मच हनी ऐड किया है। अब हम इसमें अपना वार्म वाटर मिक्स करेंगे और इसे इस तरह से मिक्स करेंगे। तो देखिए गाइस, हमारा लेमन हनी वाटर तैयार है। अब हम इसे कंज्यूम करेंगे और फिर 30 मिनट्स की वॉक पे जाएंगे। तो गाइस, हम आ चुके हैं घर। अब हमारा 30 मिनट्स की वॉक कंप्लीट हो गई है। अब 10 मिनट का रेस्ट करने के बाद हम वर्कआउट करेंगे। गाइज, अगर आपको वर्कआउट का वीडियो चाहिए तो मैं वो अपलोड कर दूंगी, आप कमेंट्स में बता दीजिएगा। बाकी मैं अभी पूरा प्ले नहीं कर पाती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो यही कारण है कि वर्कआउट मैं पूरा नहीं डाल पाती हूँ। जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारी मसल्स टाइट होती है, बॉडी टाइट होती है, लेकिन हम पतले अपनी डाइट की वजह से होते हैं। इसीलिए ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम खाना कितना भी खा लें लेकिन हम वर्कआउट कर लेंगे तो हम पतले हो जाएंगे। नहीं, आपको खाने की डाइट भी कंट्रोल में करना पड़ेगा, तभी आप अपना वेट लॉस कर पाएंगे। एक्सरसाइज तो सिर्फ इसीलिए होता है कि वो आपकी बॉडी को फिट रख सके। 80% जहाँ डाइट काम करती है वहीं पे 20% एक्सरसाइज काम करती है। तो गाइस, इस बात को ध्यान में रखते हुए एक्सरसाइज को 30 से 40 मिनट दीजिए, साथ में अपनी डाइट को भी कंट्रोल में रख कर ध्यान दीजिए। शुरुआत में आप हल्के एक्सरसाइज करिए, नॉर्मल जो आप आसानी से कर सके 10 मिनट। उसके बाद फिर आप धीरे धीरे अपना टाइम भी बढ़ाइए और एक्सरसाइज को भी बढ़ाइए, तो ये अच्छा रहेगा। तो गाइस, वर्कआउट हमारा डन हो गया। उसके बाद ये हम ग्रीन टी पी रहे हैं। तो वर्कआउट के बाद मैं ग्रीन टी ज़रूर लेती हूँ, साथ में नाइट में जब हम सोने जाते हैं उस वक्त मैं ग्रीन टी ज़रूर लेती हूँ। एक दिन में 2 बार ग्रीन टी लेना मेरा कंपलसरी है। मॉर्निंग ड्रिंक बदलते रहता है, उसमें जो मन करे वो ले लेती हूँ, लेकिन 2 टाइम ग्रीन टी ज़रूर लेती हूँ। तो हमारे सारे काम खत्म हो चुके हैं। अब हम बनाने जा रहे हैं हमारा ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में हम बनाएंगे ब्रेड ऑमलेट। तो चलिए देखते हैं किस तरह से बनाना है इसे, और पानी रेगुलर पीते रहिए। एक पैन रखा है, इसके ऊपर हमने हल्का सा ऑयल ग्रीस कर लिया है। अब हम इस पर अपना ऑमलेट डालेंगे। और इन ब्रेड के स्लाइस को भी हम इसी पर इस तरह से करके रख देंगे। इसे हम अब इसी तरह कुछ देर नीचे से पकने देंगे, उसके बाद फिर इसे टर्न करेंगे। तो इसे हमने पलट लिया है और ये अच्छी तरह से एक साइड से हो चुका है। अब हम इसे कुछ देर दूसरे साइड से भी अच्छे से पकने देंगे। देखिए कितना फ्लफी और कितना अच्छा बना है ये, आप देख सकते हो। खाने में ये उतना ही टेस्टी है। कौन कहता है कि डाइट में उबला हुआ खाने की ज़रूरत रहती है। डाइट में अगर हम टेस्टी और हेल्दी चीज़ें खाएं तो डाइट डाइट जैसे नहीं लगती है, बहुत ही मज़ेदार हो जाती है।
तो देखिए गाइस कितना अच्छा हमारा ब्रेड ऑमलेट बन के तैयार है। इसे हमने थोड़ा सा फोल्ड कर दिया है और ये देखिए कितना मज़ेदार बन के तैयार है। अब हम गैस को ऑफ करेंगे और इसे अपने ब्रेकफास्ट के लिए तैयार रखेंगे। तो इस तरह से आप भी अपना ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। अगर आपका मन हो तो आप हरी चटनी के साथ लो, और नहीं तो आप वैसे ही इसे खाओगे तो आपको बहुत टेस्टी लगेगा। तो इसमें दो ब्रेड है और दो अंडे हैं जिसे हमने लिया है। ब्रेकफास्ट अगर थोड़ा हैवी भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारा डिनर लाइट रहता है। तो फिर मिलते हैं मॉर्निंग स्नैक में। तो गाइस ब्रेकफास्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके आधे घंटे बाद हमने दो ग्लास पानी पी चुके हैं। अब हमारी मॉर्निंग स्नैक की बारी है, तो चलिए देखते हैं इसमें हम क्या खाएंगे। गाइस ये हमारे पॉपकॉर्न जिसे हमने एक बाउल लिया है। मॉर्निंग स्नैक में आज हम यही लेंगे। तो लंच हमारा तैयार है। हमने आधी कटोरी सोयाबीन की सब्जी ली है, आधी कटोरी मिक्स सब्जी ली है, साथ में दो मल्टीग्रेन रोटी और एक कुकुम्बर लिया है। तो ये हमारा लंच है, इसे हम खाते हैं। उसके बाद फिर एक घंटे बाद हम पानी पियेंगे, साथ में ग्रीन टी लेंगे, और इस बीच में खाना खाने के बाद हम घूमेंगे, क्योंकि मालूम है ना, सोना नहीं है, घूमना है और ना ही लेटना है। तो हम एक घंटे घूमेंगे या आधा घंटा घूमेंगे, जितना अपना मन करे उतना, लेकिन घूमना ज़रूरी है। या कोई भी काम करते रहे, ज़रूरी नहीं है कि घूमना ही है। अगर आपका कोई पर्सनल काम हो तो घर के वो भी काम कर सकते हैं आप, लेकिन बस इतना है, सोना नहीं है। स्नैक में हमने आधी कटोरी अंकुरित दाल ली है, साथ में विदाउट शुगर जैगरी मिल्क टी ली है, साथ में एक गिलास पानी ऐड किया है। हमारे ये 10 ग्लास कंप्लीट हो चुका है पानी को। हो गया है डिनर का टाइम। अब डिनर में हमने आधी कटोरी चावल लिया है और आधी कटोरी ही तुअल की और ड्रमस्टिक की मिक्स दाल बनाई है जो हमने ली है। आज ब्रेकफास्ट हैवी हो गया था, इसीलिए इतना ही लेंगे। और डिनर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम थोड़ी देर के लिए घूमने जा रहे हैं, घूम कर आएंगे, उसके बाद फिर बनाते हैं ग्रीन टी लेंगे, उसके बाद फिर 7 घंटे की नींद पूरी करना है। तो अब ये दिन कंप्लीट हो चुका है, तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन ज़रूर दबा देना। धन्यवाद।